अब देखते हैं हम मंगोलिया के शीर्ष नेताओं के साथ रक्षा मंत्री की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। तो हम इसको ज्योग्राफी के लिहाज से देख लेते हैं कि मंगोलिया की लोकेशन क्या है और कहाँ अवस्थित है, उसकी राजधानी जो उलान बटोर है वो किस जगह अवस्थित है। तो ये मंगोलिया का मैप हो गया। तो मंगोलिया की उत्तरी सीमा किससे लगती है? तो रशिया से लगती है, और दक्षिण में तो कहीं ना कहीं चाइना से लगती है। ये इनर मंगोलिया वाला हिस्सा हो गया, ये गोबी डेजर्ट, तो कहीं ना कहीं चाइना और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। ये उलान बटोर उसकी राजधानी हो गई। ये खेंती माउंटेन्स, तो ये कहीं ना कहीं खांगई माउंटेन्स, ये अल्टाई माउंटेन्स, और कहीं ना कहीं इसी के उत्तर में लेक बैकाल जो रशिया में अवस्थित है सबसे गहरी झील है। ये येंसी रिवर्स कहीं ना कहीं जो मंगोलिया से होकर कहीं ना कहीं रशिया से होते हुए जो आर्कटिक ओशन में जाकर गिर रही है। ये डजवाहान रिवर्स हो गई, और ये तूल रिवर्स हो गए, जो कहीं ना कहीं मंगोलिया से संबंधित है। ये इडनेट, ये दरहान, ये हुइटेन पिक्स हो गई, जो कहीं ना कहीं अल्टाई माउंटेन्स में अवस्थित है। तो इस तरह से हमको इस मैप को देखना है, और इससे कौन सी झील संबंधित है, तो इस तरह से हमको इसको मैप तो देखते रहना है। जैसे हाउस गोल्फ नुरूर लेक, जो कहीं ना कहीं मंगोलिया के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। अब बढ़ते हम आगे। SYL मुद्दे सुलझाने में सहयोग नहीं कर रही पंजाब सरकार। तो कहने की केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हरियाणा के साथ सतलज यमुना लिंक नहर विवाद सुलझाने में पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं यही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो विक्रम नाथ की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पानी प्राकृतिक संसाधन है और प्राणियों को उसे साझा करना सीखना चाहिए, और सभी पक्षों को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर वार्ता के जरिए समाधान के प्रभाव और जरूरत को समझना चाहिए। तो हम यहाँ ज्योग्राफी के लिहाज से देखेंगे कि जो सतलुज यमुना लिंक परियोजना कहाँ अवस्थित है और किन राज्यों से अवस्थित है, और इनको किस राज्यों को लेकर विवाद चल रहा है। तो येरी सतलुज यमुना लिंक कहना, तो ये ऊपर कहने के हिमाचल प्रदेश आ गया, इधर पंजाब, इधर कहीं ना कहीं ये चंडीगढ़, और नीचे हरियाणा, और इस साइड उत्तर प्रदेश अवस्थित आ गया। तो ये कहीं ना कहीं सतलुज नदी जा रही है, और इस सतलुज नदी पर गोविंद सागर जिले के सामने ये बागरा डैम, और बागरा डैम के सामने कहीं जो नागल डैम है, जो पंजाब और कहीं ना कहीं हिमाचल की जो सीमा पर अवस्थित है। फिर ये सतलुज नदी आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं यहीं से जो पंजाब से कहीं ना कहीं यमुना सतलुज लिंक का जो हेड है वो सिरा यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ से कहीं ना कहीं पंजाब से होते हुए हरियाणा, और हरियाणा में जाकर कहीं ना कहीं जो यमुना कैनाल है उसमें जाकर मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं करनाल इसी की यहाँ अवस्थित है। इधर रोपर आ गया, इधर चंडीगढ़ आ गया, और कहीं ना कहीं जो 92 किलोमीटर कैनाल ऑलरेडी जो कंप्लीटेड यमुना सतलुज लंग कैनाल हो गई है। कहाँ से अवस्थित है? एक पंजाब और हरियाणा दो राज्यों से संबंधित है, और कहीं ना कहीं इधर से यमुना कैनाल आ रही है, यानी जो यमुना नदी से निकलकर कहीं ना कहीं हरियाणा में जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश अवस्थित हो गया है। तो इस तरह से हमको देखना है कि ये लिंक जो किन राज्यों में अवस्थित है और किन राज्यों को लेकर इसके जल को लेकर विवाद है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि कौन से डैम इस पर बंधे हुए हैं, और कौन सी झील यानी गोविंद सागर झील है तो किस राज्य में अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। बागरा डैम कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर बना हुआ है। और जो यमुना लिंक कैनाल है उनके जो किनारे कौन से शहर अवस्थित है? तो करनाल है, इधर कहीं ना कहीं रोपर है, कहीं ना कहीं इसके पूर्व में चंडीगढ़ अवस्थित हो गया। तो इस तरह से हमको उसको देखना है। अब बढ़ते हम, जैसा कि हमें पता है कि जो 17 को आएंगे चीते, कोनून ने पीएम करेंगे परियोजना का शुभारंभ। तो हमें पता है कि जैसे अफ्रीका देश नामीबिया से कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के कोनो पालमपुर नेशनल पार्क में जो कहीं ना कहीं श्योपुर जिले में अवस्थित है, वहां कहीं ना कहीं जो चीते लाए जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री है उस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यहाँ एक छोटी सी जानकारी दी हुई कि 1947 में आखिरी बार देखा गया था चीता। तो भारत में वर्ष 1947 में आखिरी बार चीता देखा गया था मध्य प्रदेश के सरगुजा, अब छत्तीसगढ़ के जंगल में दिखे चीते का वहां के महाराजा ने शिकार किया था, और वर्ष 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति की अनुसूची में दर्ज किया था। अब बढ़ते हम आगे। अब देखते हम इकोनॉमिक्स से संबंधित, त्योहारी सीजन में नहीं पड़ेगी महंगाई की मार। तो सरकार की तैयारी कर दिख रहा परिणाम। दाल खाद्य तेल जैसी प्रमुख
कमोडिटी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। तो कहीं ना कहीं मानसून सीजन में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई चेन के प्रभावित होने का खतरा रहता है और जिससे महंगाई को हवा मिलती है, और इसे भांपते हुए सरकार ने समय से तैयारी कर ली है। तो अब देखते हैं कि जो महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय सुझाए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो खाद्य तेलों का सस्ता आयात किया है, तो खाद्य तेलों के आयात शुल्क में भारी रियायत देकर सरकार ने कीमतों को बढ़ने से रोका है। घरेलू जरूरतों का 60% से अधिक खाद्य तेल आयात किया जाता है, जिसका बड़ा हिस्सा पॉम ऑयल होता है, और पॉम ऑयल के आयात शुल्क में भारी कटौती की है, जिससे कहीं ना कहीं जो महंगाई को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगी। बफर स्टॉक की दालें जारी। तो कहीं ना कहीं जो दालों की महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने समय से पहले ही बाजार में 15 लाख टन चना जारी कर दिया है। बाजार मूल्य के मुकाबले राज्यों को चने की खरीद पर प्रति किलो 8 रुपए की रियायत दी जा रही है, जिससे बाजार में चना और उससे बनने वाली बेसन जैसे उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की संभावना नहीं है। खरीफ सीजन में दालों की सरकारी खरीद की सीमा भी कहीं के 25% से बढ़ाकर 40% कर दी गई। महंगाई रोकने के लिए सरकार ने मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण फंड को भी कहीं ना कहीं एक तरह से झोंक दिया है और कीमतें काबू में है। चीनी की स्थिर कीमतें के लिए गई, तो चीनी की मांग बढ़ने से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है, तो उसी के तहत कहीं ना कहीं चीनी का जो मासिक कोटे में अतिरिक्त वृद्धि की गई है, जिससे चीनी का मूल्य स्थिर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जो चीनी की जो कहीं ना कहीं डिमांड है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से नियंत्रित में रखा गया है। और प्याज पर हाय तोबा नहीं, तो प्याज की महंगाई पर सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ी आपत रहती। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मानसून की सक्रियता की वजह से सप्लाई चेन लाइन टूटने और खेती में पड़ी प्याज के सड़ने का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ने का खेल जारी रहता है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमको देखना है कि किस तरह से जो सरकार महंगाई को नियंत्रण करती है, किस तरह से महंगाई आम आदमी को प्रभावित करती है, सरकार इसके लिए क्या क्या नीतियां बनाती है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि RBI का यहाँ पर क्या रोल होता है, सरकार का रोल क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े 16 राज्य। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय की तरफ से विकसित किए गए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम अब कहीं ना कहीं 16 राज्यों ने इससे जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के 32 विभागों में से 24 विभाग सिंगल विंडो से जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिंगल विंडो से निवेश के लिए जो जरूरी मंजूरी को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म विकसित किया गया था, जिससे कहीं ना कहीं निवेश राज्य में ही होते हैं और राज्य की विभिन्न एजेंसियों की मंजूरी किसी निवेश या औद्योगिक यूनिट लगाने के लिए जरूरी है। इन सभी मंजूरी में वर्षों का समय लग जाता है, लेकिन सिंगल विंडो से जुड़े राज्यों में निवेश के लिए आवेदन पर अब काफी कम समय में मंजूरी मिल जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी लॉन्च की जा रही हैं। हाल ही में इसमें प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं जो विकल्प स्क्रू स्कीम लॉन्च की गई है। तो इस तरह से हमको इसको कवर कर देखना है कि सिंगल विंडो सिस्टम किस तरह से निवेश बढ़ाएगा और किस तरह से जो प्रक्रिया में समय लगता था उसको कम करेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ डूइंग को बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। अमेरिका से व्यापार समझौते पर वार्ता की तैयारी। तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल और बोले दिसंबर तक कनाडा से व्यापार समझौता कर लेंगे, इजराइल के साथ समझौते की उम्मीद नहीं। तो इस तरह से इस खबर को देखना हमें कि अभी कुछ उन्होंने ऐसे बयान दिए कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच 3T यानी ट्रस्ट टेक्नोलॉजी और टैलेंट पर कहीं ना कहीं आधारित है, और कहीं ना कहीं दोनों इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। तो क्वीन एलिजाबेथ ने ट्रस्ट को नियुक्त किया ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री। तो देश की तीसरी महिला PM बनी लिज। पहली बार बालमोरल कैसल में पूरी हुई नियुक्ति प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने मंगलवार को औपचारिक तौर पर जो कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद संभालने वाली वह तीसरी महिला है। वह ऐसे वक्त में ब्रिटेन का नेतृत्व संभाल रही है जब देश में आर्थिक मंदी व ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। तो इस तरह से इस खबर को देखना है। अब चलते हैं अगली खबर। नेपाली PM देवबा से मिलने जनरल पांडे, दोनों सेनाओं को मजबूत बनाने पर मंथन।
तो कहने की जो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की और सेना कमान व स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। और कहीं ना कहीं दौरा के समय कहीं ना कहीं दोनों देशों सेनाओं के बीच दक्षता और क्षमताओं के जो परस्पर निर्माण के लिए जुड़ाव को और मजबूत बनाने पर भी कहीं ना कहीं जोर दिया गया। तो अब हमारा फोकस यहाँ पर किस पर रहेगा, हम जो नेपाल का जो मैप है उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये नेपाल का मैप हो गया। तो कहीं ना कहीं जो उसकी उत्तरी सीमा कहीं ना कहीं एक तरह से चाइना से लगती है, इधर भारत से लगती है। तो भारत के किन राज्यों से लगती है, इधर उत्तराखंड आ गया, इधर यूपी बिहार, इधर पश्चिम बंगाल, इधर सिक्किम हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि ऊपरी क्षेत्र में एक तरह से हिमालय अवस्थित है, तो सागर माथा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो कहीं ना कहीं नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी कहीं ना कहीं यही अवस्थित है। ये काठमांडू इसकी राजधानी है। ये रॉयल चेटवान नेशनल पार्क ये नेपालगंज, और ये कहीं ना कहीं रॉयल बर्डिया नेशनल पार्क हो गया। ये कहीं ना कहीं शारदा रिवर्स हो गई, और ये कर्णाली रिवर्स, और ये गंडक रिवर्स, और ये कहीं ना कहीं इधर से सप्त का कोशी रिवर्स, कहीं ना कहीं जो बिहार का जिसे शोक कहा जाता है। और ये कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया, ये मानंग, ये पोखरा, ये जोमसोन, और ये कहीं ना कहीं ऊपर हिमालय क्षेत्र आ गया एक तरह से। और ये कहने की माउंटेन्स पिक्स को दिखाया हो इस तरह से। ये कहने की इसकी कैपिटल हो गई, ये सिटीज हो गई, ये बुटवाल, ये जनकपुर, और कहने का ये विराट नगर, ये धारा बाजार, और ये कहने का ये नेशनल पार्क्स अवस्थित हो गए, इसके जो मेजर नेशनल पार्क्स हैं। अब चलते हैं इसके अगले मैप पर। ये नेपाल, अब ये ऊपरी क्षेत्र इसका कहने का हिमालय वाला क्षेत्र आ गया, और ये कहने की इसकी राजधानी काठमांडू, और ये नीचे जो इसका क्षेत्र है वो तराई वाला क्षेत्र हो गया, जहाँ कहने के जो भारतीय मूल के लोगों कहने के एक तरह से मधेशी कहा जाता है। ये लुम्बिनी, ये रॉयल चिटवान नेशनल पार्क्स, ये नेपालगंज, ये रॉयल बर्डिया नेशनल पार्क्स, ये काली नदी जो दोनों भारत और नेपाल के बीच सीमा बना रही है एक तरह से, ये कर्णाली रिवर्स, ये माउंट एवरेस्ट हो गया इधर, ये ललितपुर, बीरगंज, ये तराई वाला क्षेत्र, ये कोशी नदी जिसे बिहार का शोक भी बोलते हैं, ये दरान बाजार, ये विराट नगर, और ये सागर माता नेशनल पार्क्स, और ये अन्नपूर्णा, ये तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है एक तरह से। ये पोखरा, और कौन से देश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही, किस राज्य भारत की किस राज्यों से सीमा लग रही, कौन सी नदियां निकल रही हैं, तो इस तरह से हमको इसका मैप को एनालिसिस करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चीन में भूकंप से मरने वालों की संख्या 66 हुई, और अफगानिस्तान में भूकंप से 6 लोगों की मौत। तो अब हम देखते हैं कि जो भूकंप के कारण क्या होते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स का यहाँ पर क्या रोल है, और किस तरह से जो भूकंप आते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अब देख लेते हैं कि पहले कौन कौन सी प्लेट्स हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हो गई, ये फिलीपींस प्लेट हो गई, ये पैसिफिक प्लेट्स हो गई, ये कोकोस प्लेट्स हो गई, ये नाचका प्लेट्स हो गई, और ये जुआन डी होका प्लेट्स हो गई, और ये कहीं कहीं यूरेशियन प्लेट हो गई, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, और ये कैरेबियन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, और ये स्कोटिया प्लेट, ये अरेबियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये अंटार्कटिक प्लेट। अब बढ़ते हैं हम कि जो अर्थ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर जो संचरण कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर लिथोस्फेयर आ गया है, और ये कहीं ना कहीं जो अंदर इनर कोर आउटर कोर जो पृथ्वी की संरचना के अंदर अवस्थित है एक तरह से, ये मेंटल, और कहीं ना कहीं जो संचरण होता है जो मैग्मा के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक डाइवर्जेंट होता है और एक कन्वर्जेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ कन्वर्जेंट होता है वहाँ एक तरह से कहीं ना कहीं जो ट्रेंच का निर्माण होता है, और जहाँ कहीं ना कहीं जो डाइवर्जेंट होता है वहाँ एक तरह से रिच का निर्माण होता है, और कहीं ना कहीं यहीं से जो है लावा निकलता है, और यहीं कहीं ना कहीं ट्रेंच का निर्माण होता है, और ये एस्टिनिस्पर्स हो गई। अब यहाँ इस मैप में दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है संरचनाएं निर्माण होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये एस्टिनोस्फेयर हो गया, और ये लिथोस्फेयर हो गया। अब यहाँ कहीं ना कहीं जो ट्रेंच का निर्माण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो एक प्लेट है जो सब डक्टिंग प्लेट नीचे जा रही है, कहीं ना कहीं जो ओशियन क्रस्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी कहीं ना कहीं जो ट्रेंच का निर्माण हो रहा। अब दूसरा है कि ये डाइवर्जेंट, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो ओशन स्प्रेड रिज का निर्माण हो रहा है, और यहीं से कहीं ना कहीं जो लावा है वो निकल रहा है। अब ये जैसे शील्ड वेल्केनो जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे आर्क बन जाते हैं,
यहाँ से कहीं कहीं लावा निकल रहा है, तो कहीं कहीं यहाँ छोटा सा एक आर्क्स का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं कहीं एक तरह से कन्वर्जेंट हो रहा है, तो यहाँ भी ट्रेंच का निर्माण हो रहा है एक तरह से, और यहाँ से कहीं कहीं जब ये प्लेट से टूटती है तो कहीं कहीं लावा ऊपर आता है, जिससे कहीं कहीं जो आइलैंड आर्क का निर्माण हो जाता है और ट्रेंच का निर्माण भी यही हो जाता है, यानी जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गई। और यहाँ पर दिखाया हुआ कि जब सब डक्ट प्लेट अंदर जाती है तो कहीं ना कहीं वो जब एक तरह से टूटती है और जब लावा ऊपर आता है जब जलती है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं जो ज्वालामुखी है वो एक तरह से हॉटस्पॉट का क्षेत्र बन जाता है, और कहीं ना कहीं जो इन्हीं क्षेत्र के आसपास जो भूकंप से वो भी ज्यादा आती है। कॉन्टिनेंट रिप्ट जोन यंग प्लेट बाउंड्री, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो डाइवर्जेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से लावा को बाहर आने से कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटे छोटे एक तरह से जो आइलैंड्स यानी माउंटेन्स बोल सकते हैं हम, पठार बोल सकते हैं, वो वाला क्षेत्र बन गया। कहीं ना कहीं यहाँ आर्क बन रहे, रीच बन रही, और यहाँ कहीं ना कहीं माउंटेन्स पठार बन रहे हैं, तो इस तरह से देखना है। अब हम प्लेट जो प्लेट से उनको देख लेते हैं, ये मिड अटलांटिक रिज हो गई कहीं ना कहीं एक तरह से, ये रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र हो गया है, ये वाला जो रिंग ऑफ फायर्स जहाँ कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एक तरह से जो ज्वालामुखी है और एक तरह से भूकंप का हॉट स्पॉट बना हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र एक तरह से ये, तो पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र हो गया, ये इक्वेटर होकर गुजर रही है, और ये यहाँ से कहीं ना जो मिडल अमेरिका ट्रेंच, ये पेरू चिली ट्रेंच हो गई इधर की साइड, और ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो प्लेटों के आसपास से ज्यादा भूकंप ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा जो संवेदनशील क्षेत्र बने हुए थे, ये जो कहीं ना कहीं जो अटलांटिक के बीच में मिड अटलांटिक रिज हो गई एक तरह से। दूसरा है कि ये जुआन डी फूका प्लेट्स कहीं ना कहीं जो अमेरिका के जो पश्चिम की साइड अवस्थित है, और यहीं कहीं रॉकीस जो माउंटेन्स अवस्थित है, इधर पेरू चिली ट्रेंच, यहाँ कहीं ना कहीं जो एंडिस माउंटेन्स अवस्थित है, ये कोकोस प्लेट, ये कैरिबियन प्लेट से नाजका प्लेट, और कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका की प्लेट से टकरा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एंडिस का निर्माण हुआ है, और यहाँ कहीं ना कहीं जो रॉकीस है, कहीं ना कहीं जो ये पैसिफिक प्लेट कहीं ना कहीं जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है, और इधर नीचे की साइड ये एंटार्क्टिक प्लेट्स हो गई है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो चीन में जो भूकंप आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से फिलीपींस प्लेट हो गई, इधर यूरेशियन प्लेट्स हो गई, ये इंडियन प्लेट्स हो गए, तो कहीं कहीं के टकराने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर भूकंप क्षेत्र बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जो अरेबियन प्लेट्स है, अफ्रीकन प्लेट्स है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से हॉट स्पॉट बने हुए भूकंप के ज्वालामुखी के, और कहीं ना कहीं ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो अमेरिका में कहीं ना कहीं जो प्लेटों के डाइवर्जेंट के कारण निर्माण हो रही है। यूरेशियन प्लेट कहीं ना कहीं ये जापानी आर्क भी कहीं ना कहीं एक तरह से इन प्लेटों के संचरण के कारण ही निर्माण हुए, ये कामचटकन आर्क्स, ये कहीं ना कहीं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हो गई, ये पूरा जो क्षेत्र हुआ कौन सा रिंगो फायर वाला क्षेत्र हो गया, कौन से देश इससे अवस्थित है और कौन से क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक तरह से जो भूकंप से और ज्वालामुखी की एक तरह से हॉटस्पॉट बने हुए हैं, तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। ये फिलीपींस प्लेट, ये चाइना, जो कहीं ना कहीं भी भूकंप से आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी अफगानिस्तान में भूकंप आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ यूरेशियन प्लेट इंडो जो प्लेट से टकराने के कारण भी कहीं ना कहीं भूकंप आने की संभावना इस क्षेत्र में बनी रहती है। ये हिमालय वाला क्षेत्र भी कहीं ना कहीं एक तरह से रेड जोन में दिखाया हुआ है। इधर कैरिबियन प्लेट, नाजका प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये एंडिस का निर्माण हो गया, इधर कहीं ना कहीं कास्केड आर्क, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, जुआन डी फूका प्लेट्स, ये कोकोस प्लेट्स, स्कोटिया प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है कि किस तरह से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप के क्षेत्र कौन से संवेदनशील क्षेत्र बने हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारा न्यूज एनालिसिस यहीं समाप्त होता है, हम गूगल मैप को देखते हैं। तो ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र हो गया, अब हम मंगोलिया को देख लेते एक बार, तो ये मंगोलिया वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर मंगोलिया की जो सीमा है वो कजाकिस्तान से नहीं लगती, क्योंकि बीच में रशिया और चाइना वाला क्षेत्र आ गया है, इसकी राजधानी उलान बटोर, ये ऊपर लेक बैकाल झील अवस्थित आ गई है। ये भी जहाँ चाइना में भूकंप आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से यूरेशियन प्लेट और जो फिलीपींस प्लेट से, और ये कहीं ना कहीं जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र अवस्थित है, ये कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ये अफ्रीका में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है, ये लेक मलावी झील,
और ये ग्रेट विक्टोरिया झील इसकी सीमा किससे लग रही है? तो युगांडा, केन्या और विक्टोरिया से इसकी सीमा लग रही है। और ये बांग्लादेश का पूरा क्षेत्र कहीं के एक तरह से मैदानी क्षेत्र में अवस्थित हो गया है। इधर ये मंगोलिया, या पूरा कहीं के एक तरह से डेजर्ट वाला क्षेत्र हो गया एक तरह से, ये या मंगोलियन डेजर्ट्स, मंगोलिया माफ कीजिए, गोबी डेजर्ट अवस्थित हो गया। और यहाँ कहीं के एक तरह से हिमालय वाला क्षेत्र दिखाया हुआ है, ये नेपाल वाला क्षेत्र हो गया है, ये नेपाल वाला, जहाँ कहीं ऊपरी क्षेत्र पूरी तरह से कहीं ना कहीं माउंटेन्स यानी हिमालय जो रेंज है उससे अवस्थित हो गया नेपाल। ये काठमांडू उसकी राजधानी। तो इस तरह से हमको गूगल मैप को भी देखना रहता है। अब हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।